देख सकते हैं 39 है, ठीक है। और इस्लामाबाद दीना, अभी हम लोग इस वक्त दीना में है, 41 है। हाँ दीना में इस वक्त 41 में है। और अगर अभी तमर साहब पिक्स कैसी है एसी तरह? पिक माशाल्लाह अच्छी है। हालात चेक कर रहे हैं भाई, ये चेक करो, बहुत गंदी हुई हुई है। अच्छा भाई, इसको भी उठा कर पीछे रखो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो एन अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। और बॉयज आज का सीन ये है कि अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ गाड़ी वॉश करवाने, क्योंकि गाड़ी के जो हालात हुए पड़े हैं ना, ये बड़े नाजुक सूरत हाल चल रही है। तो सीन ये है कि आज का टाइम नहीं मिल रहा, दूसरा कल हमारा एक इवेंट है, उस पे जाना है, एक लंबा ट्रिप है। तो उसके लिए एक तो गाड़ी साफ़ होनी लाजमी है, क्योंकि फैमिली वगैरह भी साथ जा रही है। आज की वीडियो वैसे बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को कल्टस की एसी की परफॉर्मेंस दिखाऊं कि ये एसी कैसा इसका परफॉर्म करता है। तो खैर अभी तो हम लोग जा रहे हैं, बाकी सीन ये है कि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो है ना एसी कैसा चलता है और एसी की परफॉर्मेंस कैसी है, लोड तो नहीं लेती, हीट अप तो नहीं होती, क्योंकि नॉन ईएफए गाड़ी के बारे में लोगों के बड़े ख्यालात हैं कुछ इस तरह के। तो अभी पहले फ़िलहाल जाके सबसे पहला जो काम करवाना है वो इसको वॉश करवाना है, वॉश करवा लें, फिर उसके बाद जो है ना आपसे मुलाकात करते हैं, या फिर कल जब हम लोग सुबह 8-9 बजे मैंने घर से क्योंकि निकलना है, तो लंबा ट्रिप होगा उसमें इसकी सारे रास्ते लगा रहेगा, तो फिर आप लोगों को दिखाएँगे क्या ऐसी कैसा परफॉर्म करता है। वाइस बताओ इतना इंजन किसी का साफ है, ये चेक करो। खैर अभी साफ़ नहीं है, काफ़ी गंदा हुआ है, मैंने उसको कहा यहाँ पे कंडेंसर पे और यहाँ पे पानी लाजमी लगवाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये होती है ना एसी चलती रह एसी चलता रहता है तो वो फिर जो मिट्टी शिट्टी जितना गर्द गुबार होता है ना वो उतर जाता है, जब ये आप पानी लगवाते हैं ना इस पर तो ये साफ़ होना चाहिए, उससे एसी की कूलिंग बेहतर हो जाती है। बाद इस वक्त जो है ना वो गाड़ी का चेकअप किया जा रहा है और इंजन चेक करें, कल वॉश करवाई है लेकिन चलें ठीक है, गुजारा हो गया, पानी वगैरह चेक कर लिया। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं तमूर साहब, इनकी हैबर गाड़ी को अंदर खड़ा करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं क्योंकि आज इसकी एसी की परफॉर्मेंस तमूर साहब रिव्यू तुसी देना है। ठीक है, अज अभी एसी की परफॉर्मेंस टॉपिक है साढ़ा, क्या है एसी कैसा काम करता है, बाकी अगर पॉसिबल हुआ तो फ्यूल एवरेज का भी बता देंगे। अभी बस फिलहाल निकलते हैं, तैयार वगैरह आपका भाई भी हो गया, ये भी हो गए हैं। अच्छा भाई, फ्यूल हम लोगों ने फुल करवा लिया और इस वक्त गाड़ी का जो मीटर शो करवा रहा है वो 12 किलोमीटर, जो हम लोग घर से चल के अभी तक आए हैं ना 12 किलोमीटर चलिए और मुसलसल एसी के साथ चलिए, ठीक है। और एसी माशाल्लाह बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है, बाकी अभी लंबा सफ़र आगे है और इस वक्त जो है टाइम हो गया है 9:30 हो गए हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पर जो पहुँचना है ना वो पहुँचना है 10:30 तक, तो 10:30 बजे तक, 10:30 नहीं 11:30 11:45 तक हम वहाँ पहुँचेंगे। और बाकी आपका भाई बिल्कुल तैयार शर हो के बिल्कुल रेडी हो, अभी मैंने फुल तैयार नहीं हुआ लेकिन हम फिलहाल जो है ना ऑलरेडी तैयार ही हूँ। तो बाकी एक ब्रेक लिया, अपने कुछ रिलेटिव का वेट कर रहे हैं, वो आ जाएं फिर उनके साथ में चलेंगे। और फिर अभी फ़िलहाल फैमिली है गाड़ी में, उस तरह व्लॉग नहीं बना पा रहा लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह
ज़रा एक दफ़ा लंबे सफ़र पे हूँ तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और बाकी पेट्रोल वगैरह रीफिल करवा लिया है तो मिलते हैं फिर आपसे सफ़र पे ही मिलते हैं। अच्छा भाई सीन यह कि हम लोग ऑलमोस्ट कोई 50-51 किलोमीटर सफ़र काट लिया होगा ना, 50 नहीं, चलो जितना भी यार 30-35-40 गाड़ी लिया होगा। मुसलसल एसी जो है ना वो गाड़ी का ऑन है और अभी कोई पड़े हुए हैं 100 किलोमीटर से ज़्यादा ही सफ़र पड़ा हुआ है, तो बाकी आप लोगों को साथ साथ अपडेट देते रहेंगे। और एसी माशाल्लाह कूलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, मैं इस वक्त पीछे बैठा हूँ और मुझे कोई भी गर्मी फील नहीं हो रही। जो लोग मतलब कहते हैं ना कि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े तो उसमें कह रहे थे कि कल्टस का जो एसी है ना वो सिर्फ अगले 2 बंदों के लिए, पिछले वालों के लिए नहीं है, जो पीछे बंदे बैठे होते हैं उन लोगों को कोई एसी का पता ही नहीं चलता। तो खैर जो हर बंदे की अपनी एक राय होती है, लेकिन मेरी गाड़ी का माशाल्लाह एसी बहुत ही कमाल का इस वक्त चल रहा है। और बाहर इस वक्त डिग्री पता नहीं कितने डिग्री हुई है, 37 बता रहा है, लेकिन वो फील लाइक होगी 40 से ऊपर ऊपर ही होगी। और जो है एसी माशाल्लाह बहुत अच्छा कूलिंग कर रहा है। बाकी आप लोगों को साथ साथ अपडेट देता रहूँगा। तमोर साहब ड्राइव कर रहे हैं, बाकी तो रिव्यू इनसे एकदम फ्री होकर लेंगे। और बस फिर चलते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। छत तो ठंडा है, यहाँ पे जो है ना हाथ नहीं रखने और इतनी ठंडी जो है ना हवा मार रहा है, सही कूलिंग कर रहा है। और तमूर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 100 से ऊपर ऊपर ही गाड़ी रखूँ मैं, नीचे ना लेके आऊँ। और तमूर साहब पिक्स कैसी है एसी से नाल? पिक वन है और बिल्कुल भी गाड़ी हमारे बहुत जितनी गाड़ी है इनको तकलीफ हो रही है, ये ऊपर जाने नहीं दे रहे। अभी भी 100 से ऊपर है देख ले। लेकिन हम लोगों ने लेके नहीं जाने, उसकी वजह भी है। अगर अगला व्लॉग मैंने बनाया तो उसमें बताऊंगा क्यों नहीं हम लेके जा। हाँ रोड बहुत खराब है, जीटी रोड है ना, उस वजह से। ये देखे ट्रक वाले इस साइड पे जा रहा है और बाइक वाला भी इधर आया हुआ है, तो कोई मतलब के ना सेंस नहीं बन रही किस तरह गाड़ी बंदा भगाए। अगर रोड ठीक हो फिर तो बंदा इजीली जाए। बाकी यहाँ पे मैं बैठा हूँ, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें किस तरह वो सही हवा मतलब थ्रो जो है ना उसकी कूलिंग की सही हो। वही कह रहा हूँ ना, इससे आइडिया लगाएं किस तरह कूलिंग सही थ्रो कर रहा है। और कूलिंग माशाल्लाह बेहतरीन कूलिंग है। फिलहाल भी रिव्यू देखें, ज़्यादा तो यही चलाता है गाड़ी। हैं उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो कहते हैं कल्टस के एसी फारिग है? भाई वो एसी का काम करवाए, कंडेंसर चेंज करवाए, अच्छा जबादी कंडेंसर लगवाए बड़ा, हाँ, और कंप्रेसर अच्छा लगवाए, गैस अच्छी लगवाए, तो बारी कूलिंग अच्छी करेगी। एक चेंज मैकेनिक अपना चेंज करे, ऐसे ठीक हो जाएगा। हाँ मैकेनिक भी चेंज करे, ये बात भी साथ से जो है ना बेहतरीन है। अच्छा इस पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसमें हमारी गाड़ी में जो कंडेंसर है ना वो चेंज है, वो कुछ जापानी लगा है, मुझे उसके नाम का नहीं पता, आइडिया नहीं है मुझे उसके नाम का। और एक और चीज़ जो मैंने इसमें करवाई भी है कि आप लोग देखें यहाँ पे ना वो एक आपको स्विच नज़र आ रहा होगा, जब एसी ऑन करते हैं ना तो हम लोग इसका फ़ैन जो है ना वो डायरेक्ट कर देते हैं, और जब एसी ऑफ करते हैं रेडिएटर का फ़ैन, तो जब एसी ऑफ करते हैं तो उसको भी हम जो है ना रेडिएटर के फ़ैन को ऑटो कर देते हैं। ये हमने एक ना स्विच लगाया हुआ है, इससे ये भी होता है कि गाड़ी एक तो लोड भी नहीं लेती, और मेरी गाड़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी लोड नहीं लेती एसी के साथ इतना, क्योंकि उसका कंडेंसर चेंज है और कूलिंग भी बेहतरीन करती है। अभी अब्दुल्ला एक मिनट वो निकाल के दिखाना है इस वक्त बाहर कितना टेम्परेचर है जो है ना इस वक्त, और हम जहाँ पे जा रहे हैं गुजरात वाली साइड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों को जाके दिखाते हैं। इस वक्त गुजरात में आप लोग देख सकते हैं 39 है, ठीक है, और इस्लामाबाद दीना भी हम लोग इस वक्त दीना में है 41 है, हाँ दीना में इस वक्त 41 में है। और अगर 45 तक जाएगा ना वो बता रहे हैं नीचे 43-45 तक किस तरह जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि गाड़ी आप लोग वैसे भी मुझसे शिकायत करते हैं, एक मैंने
टिकटॉक पे एक लड़का, उसने मुझे कमेंट किया था कि आप लोग इतनी गर्मी में गाड़ी कैसे बाहर निकालते हो। तो मैंने उसे कहा था कि गाड़ी का एसी ठीक हो तो फिर बंदा गाड़ी बाहर निकाल ही लेता है। तो है कुछ लोगों का गाड़ियों के एसी बहुत वही बात है, वो काम शाम करवाएं, एसी चेक करवाएं, कंडेंसर चेंज करवाएं, जो भी गैस वगैरह होती है, जो भी सर्विस कराएं। हर गर्मियों में आप एक दफ़ा लाजमी सर्विस करवा लिया करें तो एसी माशाल्लाह बेहतरीन पूरी करेगा। तो अभी आप मिलते हैं यहाँ पर, बस थोड़ा सा सफ़र रह गया और फोन किए कि दफ़ा फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं और गर्मी भी 41 डिग्री पे है और 44 तक वो बता रहे हैं कि जाएगी आगे, और माशाल्लाह अच्छी कूलिंग करके आई है गाड़ी। ठंडा देखो अगे ही पे है, थोड़ी ठंडी होने और गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इन शीशों पे हाथ लगाएं ना तो ये फुल सही गर्म हुए हैं। एक और कूलिंग की वजह ये भी हो सकती है कि ये जो हमने सनशेड लगाए हुए हैं, अंदर धूप नहीं आती और शीशे जो है ना सारे टिंट हैं, उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है कूलिंग पे। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने कल्टस के एसी की परफॉर्मेंस भी देख ली होगी। तो वही बात है, एसी का काम करवाएं, अच्छी गैस डलवाएं, कंडेंसर वगैरह जो भी मतलब के मैकेनिक भी अच्छा रखें। तो बस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।